मुनीश पांडे, अब इस मामले को लेकर क्या आपको नहीं लगता कि सवाल खत्म हो जाने चाहिए? जब सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो बनाई गई वो फॉरेंसिक रिपोर्ट रख दे रही है, तथ्यों के आधार पर रख रही है और सामने बता दे रही है कि इसमें आत्महत्या है, हत्या का हमें कोई एंगल नहीं लगता। जी बिल्कुल रोहित, देखिए सीबीआई सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, शक था उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की मांग पर सीबीआई को ये जांच सौंपी थी। सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की तो देखिए कोई भी जांच जो होती है वो साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक तौर पे सीबीआई जांच करती है और इसीलिए जैसे ही मामले की जांच मिली 21 अगस्त को वो मुंबई में आते हैं। मुंबई में आने के बाद में क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराते हैं। बात सिर्फ एम्स के डॉक्टर्स की फाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने अपनी जाँच में ये कह दिया है कि ये आत्महत्या का मामला है, बात सीबीआई की भी है। सीबीआई को आखिरकार ये तय करना पड़ेगा कि ये मौत का मामला है, हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का मामला है। जहां तक मेरी जानकारी और जो मेरी अधिकारियों से बात हुई है, सबसे अहम जानकारी सीबीआई से आ रही है। देखिए सीबीआई के पास में दो चीजें थी, सबसे पहले उनको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो ओपिनियन थी वो लेनी थी, डॉक्टर जो एम्स के थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट को एम्स के सामने सीबीआई के सामने वो सौंप दी। दूसरी जो थी खुद की सीबीआई की अपनी जांच थी, पिछले एक डेढ़ महीने से मुंबई में रहते हुए उन्होंने कई तरीके के सबूत इकट्ठा किए, इसमें सबसे जो अहम सबूत था वो था कि क्राइम सीन पर रिक्रिएशन कराना, वहां पर बाकायदा फोरेंसिक की टीम गई, उन्होंने रिक्रिएशन कराया, एक डमी बनाया सुशांत की वजन और उनकी ऊंचाई का, उस डमी को बनाया, पंखे से लटकाया गया, देखा गया कि क्या वहां पे आत्महत्या मुमकिन थी या नहीं थी। सीबीआई की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जरूर वहां पर आत्महत्या की जा सकती थी। उसके अलावा ये देखा गया कि जो चार लोग उस घर में मौजूद थे, अगर चारों संदेह के घेरे में थे, अगर कोई साजिश थी तो ये चारों शामिल थे, अगर कोई गला दबाने की घटना थी तो ये चारों को इस बारे में पता था, हो सकता है इसमें शामिल भी होते। इसके लिए लगभग 12 से 15 दिन तक चारों से सीबीआई ने लगातार पूछताछ की। और तीसरी और सबसे अहम बात थी इसमें, इस मामले में जो आरोपी है रिया चक्रवर्ती, उनसे पूछताछ, इन तीनों कड़ियों को सीबीआई ने आपस में मिलाया, हत्या के कोई सबूत नहीं मिले। और जब अब एम्स ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है तो कहीं ना कहीं ये मेल खाती है, दोनों में आत्महत्या की बातें सामने आ रही हैं। तो सीबीआई का अब यही कहना है कि देखिए इस मामले में आगे जांच चलती रहेगी, लेकिन अभी तक जो सबूत हैं उसके आधार पर ना सिर्फ एम्स बल्कि हमारा भी यही मानना है कि आत्महत्या का मामला है। आत्महत्या क्यों हुई, क्या उसके कोई पीछे कोई जिम्मेदार है, उसकी वो आगे जांच करेंगे। अब सीबीआई को ये तलाशना होगा कि किन परिस्थितियों में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, आखिर ऐसा क्या था कि एक ऐसे युवा और टैलेंटेड अभिनेता को असमय अपनी ही जान लेने का फैसला करना पड़ा, या ऐसी परिस्थिति क्यों आई।